तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बरेली, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल से बात करेंगे, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे हम, बीटेक के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पर 1,00,000 रुपये रखा गया और सेकंड ईयर का सेम चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर 4 ईयर तक आपका सेम चार्ज रहने वाला है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पर 4,00,000 रुपये रखा गया है। तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ये 4 साल का कोर्स रहने वाला है। तो नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग MBA करना चाहते हैं अदरवाइज का MBA कर सकते हैं। MBA के यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है वो यहाँ पर 1,35,000 रुपये रखा गया है और सेकंड ईयर का भी सेम चार्ज रखा गया है। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है आपका 2,70,000 रुपये निकल के आता है। तो यानी कि आपके 2 साल के अंदर लगभग 2,70,000 रुपये पे करना पड़ेगा और आपका ये 2 साल का कोर्स MBA कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपको ज़रूर करना चाहिए। BSc की बात करेंगे, जो लोग BSc करना चाहते हैं अदरवाइज BSc कर सकते हैं। BSc के जो चार्ज रखा गया यहाँ पर 20,000 रुपये रखा गया है और सेकेंड ईयर का भी सेम रखा गया है। यानी कि आपको इसी तरीके से पर ईयर पे करना पड़ेगा, 3 ईयर तक आपको सेम चार्ज रहेगा। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 60,000 रुपये, यानी कि 60,000 रुपये आपको पूरा 3 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लगभग 6 स्ट्रीम मिल जाते हैं और ये 3 साल के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग BSc करना चाहते हैं BSc कर सकते हैं। BSc का जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 30,000 रुपये रहेगा और सेकंड ईयर का 30,000, थर्ड ईयर का 30,000। यानी कि जो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आता है 90,000 रुपये में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 3 साल का कोर्स रहेगा तो 90,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर आपको 6 स्ट्रीम मिल जाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर बात करेंगे BSc और BEd, यानी कि ये दोनों कोर्स आपके एक साथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो BSc और BEd जो लोग दोनों एक साथ करना चाहते हैं उनके लिए क्या चार्जिंग रहेगी यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रखा गया वो 40,000 रुपये रखा गया, यानी कि इसी तरीके से आपको 4 ईयर तक पे करना पड़ेगा 40,000 रुपये लगभग पर ईयर। इसी तरीके से सेम चार्ज रहेगा आपको, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,60,000 रुपये, यानी कि आपको 4 साल के अंदर 1,60,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका 4 साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, यानी कि दोनों ही कोर्स आपके एक साथ इकट्ठे 4 साल के अंदर हो जाएंगे, BSc और BEd। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग बीटेक और MBA, यानी कि बीटेक और MBA जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो चार्जिंग अमाउंट रखा गया है, यानी कि यहाँ पर रखा गया है 1,20,000 रुपये और सेकेंड ईयर 1,20,000 रुपये, थर्ड ईयर 1,20,000 रुपये। भाई सेम चार्ज आपको 5 ईयर तक पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2 कोर्स हैं बीटेक और MBA, तो दोनों कोर्स एक साथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है यहाँ पर 6,00,000 रुपये निकल के आता है, यानी 6,00,000 रुपये में आपके दोनों कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे 5 ईयर के अंदर अंदर। जो लोग बीटेक और एमटेक करना चाहते हैं, यानी कि दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर 5 साल का कोर्स रहेगा आपका लगभग बीटेक और एमटेक, यहाँ पर दोनों ही डिग्रियाँ होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा यहाँ पर 1,10,000 रुपये रहेगा, वही सेम चार्ज आपको 5 ईयर तक पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रखा गया है यहाँ पर 5,50,000 रुपये रखा गया है। यहाँ पर आप ये कोर्स कर सकते हैं और यहाँ पर 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो यानी कि 5 साल के अंदर आपको दोनों कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बीटेक और एमटेक। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 5,50,000 रुपये, यानी कि आपके 5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग BBA करना चाहते हैं अदरवाइज BBA कर सकते हैं। BBA की जो फीस रखी गई वो यहाँ पर 60,000 रुपये रखी गई और सेकंड ईयर की भी सेम चार्ज रहेगा, यानी कि थर्ड ईयर तक आप इसी तरीके से चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो टोटल फीस निकल के आती है 1,80,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 1,80,000 रुपये पे करना पड़ेगा और आपका यहाँ पर BBA कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग BA करना चाहते हैं अदरवाइज बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ पर जो इसका चार्जिंग रखा गया यहाँ पर 30,000 रुपये रखा गया है, वही सेम चार्ज आपका 3 ईयर तक रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा आपका 3 ईयर तक 90,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 90,000 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 साल के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग BA और BEd, यानी कि ये लोग कोर्स करना चाहते हैं अदरवाइज कर सकते हैं। BA और BEd तो यहाँ पर जो इनका अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पर 35,000 रुपये रखा गया, यानी कि 4 साल के अंदर आपको 35,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,40,000 रुपये, यानी कि 4 साल के अंदर 1,40,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 साल के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग BGMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन ये कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रखा गया है वो यहाँ पर 50,000 रुपये रखा गया, वही सेम चार्ज आपका 3 ईयर तक रहेगा। और जो टोटल अमाउंट निकल के आता है यहाँ पर 1,50,000 रुपये, यानी कि 1,50,000 रुपये में आपका BGMC यानी कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा यहाँ पर 90,000 रुपये रहने वाला है।
तो ये कोर्स आपका 5 ईयर का रहेगा और यहाँ पर जो पर ईयर चार्ज रहेगा आपका 90,000 रुपये रहेगा। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट लग जाएगा आपका 450,000 रुपये रहेगा, यानी कि 450,000 रुपये आपका 5 साल का कोर्स हो जाएगा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। एमसीए की बात करेंगे, जो लोग एमसीए करना चाहते हैं एमसीए कर सकते हैं। एमसीए की जो फीस रहेगी यहाँ पर 65,000 रुपये रहेगी, वही सेम चार्ज आपका 3 ईयर तक पे करना पड़ेगा और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा 1,95,000, यानी कि 1,95,000 आपको एमसीए का 3 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। जो लोग बीसीए करना चाहते हैं अदरवाइज बीसीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रखा गया 50,000 रुपये रखा गया, तो वही सेम चार्ज आपको 3 ईयर तक पे करना पड़ेगा, यानी 3 साल के अंदर जो टोटल अमाउंट लग जाएगा 1,50,000 रुपये लग जाएगा आपका। तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। जो लोग LLB करना चाहते हैं अदरवाइज LLB कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बैचलर ऑफ कॉमर्स और यहाँ पर LLB, BCom और LLB दोनों ही कोर्स आपके एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये कोर्स आपके 5 साल के रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रखा गया है वो यहाँ पर 50,000 रुपये रखा गया है और यहाँ पर लगभग 5 ईयर तक पे करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको दोनों एक साथ कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, BA और LLB, सॉरी दोस्तों BCom और LLB, तो यहाँ पर BCom और LLB दोनों ही एक साथ कंप्लीट होने वाले। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएंगे यहाँ पर 2,50,000 रुपये चार्ज रहेगा। तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग BBA और LLB, यानी कि BBA और LLB, यहाँ पर दोनों ही कोर्स एक साथ कंप्लीट होने वाले, वही सेम चार्ज रहेगा आपका, लगभग जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 2,50,000 रुपये, यानी कि पर ईयर 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा और ये कोर्स आपका 5 ईयर का रहेगा। जो लोग BA और LLB करना चाहते हैं BA और LLB कर सकते हैं। यहाँ पर वही सेम चार्ज रहेगा 2,50,000 रुपये पर ईयर 50,000 रुपये और 5 ईयर का कोर्स रहेगा आपका। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात करेंगे, जो लोग लो करना चाहते हैं यानी कि LLB कर सकते हैं। LLB के यहाँ पर जो सिंपल अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पर 35,000 रुपये रखे, यानी कि पर ईयर आपको 35,000 रुपये पे करना पड़ेगा और यहाँ पर ये कोर्स 3 साल का रहेगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा 1,05,000 रुपये रहेगा, यानी कि 3 साल के अंदर 1,05,000 रुपये पे करना पड़ेगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो लोग BCom करना चाहते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ से BCom कर सकते हैं। BCom का यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है फर्स्ट ईयर का 35,000 रुपये रखा गया और सेकंड का भी सेम चार्ज रखा गया है। तो इसी तरीके से 3 साल के अंदर सेम चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,05,000 रुपये निकल के आता है और 3 साल का कोर्स रहेगा। तो यहाँ पर जो लोग BCom करना चाहते हैं अदरवाइज, यहाँ पर ईयर आपका कितना चार्ज रहेगा, फर्स्ट ईयर 25,000 रुपये रहेगा, तो वही सेम चार्ज आपका 3 ईयर तक रहेगा और जो टोटल फीस रहेगी यहाँ पर 75,000 रुपये रहेगी और ये 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग बी फार्मा करना चाहते हैं, बी फार्मा आपका 4 साल का रहने वाला है, फर्स्ट ईयर 1,20,000 रुपये, इसी तरीके से 4 साल के अंदर आपको पर ईयर इसी तरीके से पे करना पड़ेगा और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट लग जाएगा 4,80,000 रुपये लग जाएगा आपका। जो लोग बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 40,000 रुपये रहेगा और ये कोर्स आपका 4 साल का रहने वाला है, तो यानी कि इसी तरीके से आपको 4 साल तक पे करना पड़ेगा और जो टोटल अमाउंट रहेगा यहाँ पर 1,60,000 रुपये रहेगा, यानी कि 1,60,000 रुपये में आपका 4 साल का कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग मास्टर ऑफ साइंस यानी कि MSc करना चाहते हैं MSc कर सकते हैं। MSc का तो चार्ज रहेगा फर्स्ट ईयर का 55,000 रुपये रहेगा और सेकंड का भी 55,000 रुपये रहेगा और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,10,000 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर आपको 1,10,000 रुपये पे करना पड़ेगा और यहाँ पर 7 स्ट्रीम मिल जाते हैं, यहाँ पर आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग MTech करना चाहते हैं अदरवाइज MTech कर सकते हैं। MTech का जो यहाँ पर चार्ज रखा गया है वो 80,000 रुपये रखा गया है, यानी कि पर ईयर इसी तरीके से चार्ज रहेगा और ये 2 साल का कोर्स रहेगा। तो आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पर 1,60,000 रुपये रखा गया है और ये 2 साल के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो अमाउंट रखा गया है 70,000 रुपये रखा गया और 1 साल का ही कोर्स रहेगा आपका। जो लोग MCom करना चाहते हैं MCom यहाँ पर 2 साल का होने वाला है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 30,000 रुपये, वही सेम चार्ज आपका सेकंड ईयर और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल जाता है 60,000 रुपये, यानी कि 60,000 रुपये में आपके दोनों को 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग BJMC यानी कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर 60,000 रुपये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 60,000 रुपये और जो टोटल अमाउंट रहने वाला है 1,20,000, यानी कि 1,20,000 में 2 साल का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। अदरवाइज MBA कर सकते हैं। MBA करने का यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है यहाँ पर 1,35,000 रुपये रखा गया, वही सेम चार्ज आपका सेकंड ईयर रहेगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट निकल के आता है यहाँ पर 2,70,000 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर 2,70,000 रुपये पे करना पड़ेगा और आपको ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग PhD करना चाहते हैं अदरवाइज PhD कर सकते हैं। PhD का जो चार्ज रखा गया है यहाँ पर 50,000 रुपये रखा गया है और सेकंड ईयर का भी सेम चार्ज रखा गया है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,00,000 रुपये, यानी कि PhD
1,00,000 रुपये में कंप्लीट हो सकती है आपकी। तो जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, यहाँ आपसे डिप्लोमा कर सकते हैं आप, यहाँ पर 35,000 रुपये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 35,000 रुपये थर्ड ईयर, 35,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रखा गया है यहाँ पर 1,05,000 रुपये रखा गया, यानी कि 3 साल के अंदर 1,05,000 रुपये पे करना पड़ेगा और आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग डिफार्मा करना चाहते हैं तो डिफार्मा कर सकते हैं, डिफार्मा ये 2 साल का होने वाला है आपका, और यहाँ पर जो चार्ज रहेगा आपका 1,00,000 रुपये रहेगा, वही सेम चार्ज आपका सेकंड ईयर रहेगा, यानी कि 2 साल के अंदर आपको लगभग 2,00,000 रुपये चार्ज रहेगा। तो आप यहाँ से भी डिफार्मा कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।